हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सभी WWE फैंस इसी चीज का वेट करें कि आखिर कौन वो सुपरस्टार बनेगा जो कि एंड करेगा रोमन रेंस के इस हिस्टोरिक टाइटल रेन को। बट क्या WWE के कुछ और ही प्लान है एंड रोमन रेंस करने वाले टाइटल रिलिंक्विश तो क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सोलो सिकुआ के चैंपियन बनने के बारे में। इसके अलावा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने किसे बताया है अभी कभी गेस्ट ड्रॉ WWE में। सो सबसे पहले गाइस, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से जुड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर उनके अकॉर्डिंग अभी कौन है WWE का बिगेस्ट ड्रॉ एंड वो पहुंचा रहा है WWE को काफी ज्यादा फायदा। देन रिसेंटली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उनसे पूछा जाता है अभी बिजनेस में करेंटली बिगेस्ट स्टार्स कौन है आपके अकॉर्डिंग। तो यहां पर स्टोन कोल्ड ये थिंग कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस है अभी करेंट WWE के बिगेस्ट ड्रॉ। भले ब्रॉक लेसनर को 20 इयर्स हो चुके हैं बिजनेस में, रोमन रेंस को 10 इयर्स, लेकिन स्टिल वो दोनों है अभी करेंटली बिगेस्ट ड्रॉ। तो आप सब कह सकते हो स्टीव ऑस्टिन अगर ये थिंग कह रहे हैं तो भाई सच में ये थिंग है और ये तो उनके ओपिनियन थे। वैसे अगर आपको दो सुपरस्टार्स को चुनना हो जो कि अभी करेंटली WWE के बिगेस्ट ड्रॉ, देन आप किसे चुनना चाहोगे वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए जो कि जुड़ी है सोलो सिकुआ के चैंपियन बनने के बारे में। देन आप सबको बताइए, रोमन रेंस के हेल्प करने के बाद लास्ट स्मैकडाउन में ऑफिशियली सोलो सिकुआ ने ज्वाइन कर लिया था ब्लड लाइन को। बट ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स थे चैंपियन, यानी कि रोमन रेंस थे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, उसोस थे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस, बट सोलो सिकुआ के पास कोई भी चैंपियनशिप नहीं थी। लेकिन गाइस, अब ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज उन्होंने इस वीक के NXT में कार्मेला हेस को हराकर जीत ली नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। जिसके बाद पॉल हेमन का भी ट्वीट आता है एंड वो ये थिंग बोलते हैं कि ब्लड लाइन है अभी WWE में सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्शन एंड पूरे प्रो रेस्टिंग हिस्ट्री में भी। जिसके बाद वो कांग्रेचुलेट करते हैं NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनने पर सोलो सिकुआ को एंड वो मेंशन करते हैं रोमन रेंस, उसोस एंड शॉर्ट आउट देते ऑनरी उस सैमी ज़ेन को भी। अब क्या जब सोलो सिकुआ ने जीत लिया NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप तो क्या वापस से वो NXT में चले जाएंगे एंड मेन रोस्टर में हमें देखने को नहीं मिलेंगे? वेल, इसके चांसेस थोड़े कम है बिकॉज ये ट्रिपल एच का एरा है एंड वो हमें NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप स्मैकडाउन में भी लाते हुए दिख सकते हैं। यानी कि ब्लड लाइन में सोलो सिकुआ सबको टाइटल के साथ देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन में। अब सभी ब्लड लाइन के मेंबर तो चैंपियन बन चुके, देखते भाई हमारे ऑनरी उस सैमी ज़ेन के पास कब आती है टाइटल। वैसे आपके अकॉर्डिंग प्रो रेसलिंग हिस्ट्री की सबसे ज्यादा डोमिनेट टीम कौन सी है वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लीजिए कि क्या रोमन रेंस हमें अपनी टाइटल रिलिंक्विश करते हुए दिखने वाले हैं। देन आप सबको पता ही है, लगभग 2 साल पहले रोमन रेंस बने थे हमारे यूनिवर्सल चैंपियन, जिसके बाद उन्होंने रेसलमेनिया 38 में WWE चैंपियनशिप भी जीत ली थी और वो बन गए थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और अभी तक उनसे चैंपियनशिप कोई भी नहीं ले पाया है और हम सब यही वेट करें कि आखिर कौन वो सुपरस्टार बनेगा जो कि रोमन रेंस के इस हिस्टोरिक टाइटल रेन को करेगा एंड। नेम तो माइंड में भाई कई सारे हम सबके, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, रॉक, बट क्या WWE कुछ और ही प्लान करी? क्योंकि गाइस रेसल वर्ल्ड जो कि आप सब जानते हो काफी ट्रस्टेड सोर्स है, उन्होंने ये थिंग बताया कि अभी जो सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड टाइटल एंड रोमन रेंस को लेकर वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज WWE जो है वो रेसलमेनिया में 2 चैंपियंस के साथ जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि रोमन रेंस किसी भी हालत में अपनी चैंपियनशिप हारे एंड ट्रिपल एच और पूरी WWE कुछ क्रिएटिव चीजें करने के बारे में सोच रही है जिससे वो रोमन रेंस से टाइटल ले पाए। अब आप सब कह सकते हो सच में ये सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ना तो WWE रोमन रेंस को हरवाना चाहती है, बट वो चाहती है कि रेसलमेनिया में 2 चैंपियंस जाए जो कि है WWE एंड यूनिवर्सल चैंपियन अलग अलग। सो अगर WWE रोमन रेंस को हरवाना नहीं चाहती है तो एक ही रास्ता बचता है, वो है रोमन रेंस से टाइटल रिलिंक्विश करवाना। यानी कि रोमन रेंस का WWE हमें कुछ इंजरी वाला एंगल दिखाते हुए दिख सकती है जिसके वजह से वो अपनी टाइटल रिलिंक्विश कर दे, या फिर वो बोले कि वो सिर्फ स्मैकडाउन को रिप्रेजेंट करते इसलिए वो चाहते हैं उनके पास सिर्फ रहे यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड वो रिलिंक्विश कर दे WWE चैंपियनशिप को, या फिर ट्रिपल एच उनसे लेते हुए दिख सकते हैं। सो WWE के प्लान्स तो है कि रेसलमेनिया 39 में 2 चैंपियंस जाने वाले, देखते आखिरकार WWE किस तरह से रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले सकती है। एंड दोनों चैंपियनशिप अगर रोमन रेंस रिलिंक्विश कर दे तो ज्यादा हमें शॉक होने की जरूरत नहीं है बिकॉज रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच अगर होने वाला है देन वहां पर टाइटल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हैं, रेसलमेनिया 39 में 2 चैंपियंस जाए या फिर सिर्फ 1 चैंपियन जो कि है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।